सभी पेरेंट्स को नमस्ते। हम लोग क्लास 8 का हिंदी लिटरेचर लेकर आए हैं और सबसे पहले हम लोग हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 15 से स्टार्ट करते हैं। ये है तमिलनाडु की यात्रा। इस चैप्टर में क्या है कि हमारे इंडिया में तमिलनाडु एक अलग स्टेट है, हम लोग सभी जानते हैं। तो यहाँ की हर चीज़ के बारे में इसमें छोटी छोटी बातों को बताया गया है। तो यहाँ के एक स्टेट के बारे में स्टूडेंट जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उनको पूरी अच्छे से जानकारी होगी कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ क्या है नहीं है। तो हम अपने देश के एक अलग स्टेट का रहे हैं पूरे डिटेल। और 8 के बच्चे इतने बड़े हो चुके होते हैं कि उनको अभी का पढ़ा हुआ हर चीज़ प्राय याद रहता है। तो लिटरेचर है, सबसे पहले आपको हिंदी में है हार्डवर्ड मार्क करना है। हार्डवर्ड मार्क करने के बाद यहाँ जैसे प्रसिद्ध पाठ में भ्रमण पर आधारित, भ्रमण करने के लाभ क्या हैं, भ्रमण हमारे लिए कैसी ज्ञानवर्धक है, भ्रमण करने से हमें किस तरह के जुड़े हुए रोचक, तो ये एक दिया रहता है समरी टाइप आपका दिया रहता है कि इस चैप्टर में आगे आप क्या सुनने वाले हैं और क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये सारा है कि अगर हम लोग घूमने जाते हैं तो उसे हमारी क्या बेनिफिट होती है और सारी चीज़ें हैं जो पूरे चैप्टर के दौरान हम लोग पढ़ेंगे। शब्दार्थ इसमें हैं जो आपको लर्न करने हैं। ये मौखिक प्रश्न है, ये बहुत छोटे छोटे वन वर्ड, तमिलनाडु कहाँ से, तमिलनाडु किसका मिलान हुआ है और सही विकल्प, ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपकी लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ ये एक अलग ही ट्रेडिशनल स्टोरीज़ के ऊपर है, जिसमें है कि पहले कैसे बनाया जाता था चूड़ियाँ, जो एक अलग ही होती हैं, एक स्टेट की स्पेशलिटी है, स्पेशल बिहार में वो पाई जाती हैं, उसके ऊपर ये स्टोरी है। तो इसमें पूरा वो डिस्क्राइब किया गया है, जो स्टोरी पढ़ने के बाद सबको बहुत अच्छे से पता चलेगा। इसमें भी है आपको हार्डवर्ड पढ़ने हैं, उसका स्टोरी को अच्छे से पढ़ने के बाद शॉर्ट क्वेश्चन खुद करने हैं, शब्दार्थ लर्न करने हैं और ये मौखिक प्रश्न यानी वन वर्ड आंसर और ये विकल्प वाले प्रश्न करने हैं। फिर नेक्स्ट है उठो धरा के अमर सपूतों। ये जो है वो देश के ऊपर बनी एक कविता है जिसको सभी को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि हाँ यहाँ के वीर सपूतों ने क्या क्या किया है देश की आज़ादी के लिए। और अभी जो हम लोग हैं जिन्होंने आज़ाद देश में जन्म लिया है, आज़ाद देश का भोग कर रहे हैं, हम सबको अपने देश के लिए, देश की प्रगति में क्या योगदान करना चाहिए या किस योगदान के लिए सबको कैसे प्रोत्साहित करें, ये प्रस्तुत पाठ द्वारा हम लोगों को समझाया जाने का कोशिश किया गया है, जो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने इस कविता को लिखा है। तो ये पूरा पोयम आपको लर्न करना है, हार्डवर्ड पढ़ने हैं, शब्दार्थ पूरे लर्न करने हैं और मौखिक प्रश्न सेव करने हैं। फिर आते हैं हम लोग बाज और सांप। बाज और सांप हम लोग सभी ऐसे भी सुने हैं पुरानी कहानियों में, जो दोनों का एक दूसरे से बहुत बैर रहता है। दोनों अलग अलग एक प्राणी हैं, वो रेप्टाइल्स में आता है, ये बर्ड्स में आते हैं, दोनों अलग अलग सेक्टर में हैं। तो उन लोगों के ऊपर एक इमेजिनेशन की स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। स्टोरी बहुत अच्छे से पढ़ना है, हार्डवर्ड मार्क करने हैं, शब्दार्थ लर्न करना है। स्टोरी पढ़ने के बाद ये सांप जैसे कहाँ रहता है, तो सांप बिल में रहता है समुद्र के किनारे। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को सॉल्व करना है। अब ये आते हैं हम लोग, ये सबसे लॉजिकल चैप्टर है और बहुत अच्छा है, स्मरण शक्ति बढ़ाने का उपाय। स्मरण शक्ति का अर्थ होता है मेमोरी पावर, हम लोग कैसे इंक्रीज करें, जिसके लिए हम लोग सभी परेशान होते हैं, छोटे बच्चे हों, यंगस्टर हो या ओल्ड एजेस लोग हों, सभी परेशान रहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं व्यस्त दुनिया में, व्यस्त दिनचर्या में सभी को भूलने की बड़ी बीमारी लग गई है हर किसी को, वो मैं हूँ या आप हों। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ एक अलग चीज़ या टिप्स बताती हूँ छोटी छोटी, तो ऐसी तो इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान आपको बहुत सी ऐसी बातों की जानकारी होगी जिससे हम लोग ये समझ सकेंगे या जान सकेंगे अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली उसको यूज़ करके अपनी मेमोरी पावर को कैसे इंक्रीज़ किया जाए फिर आपको शब्दार्थ पढ़ने हैं। और मैं तो कहूँगी कि इस चैप्टर में स्मरण शक्ति बढ़ाने के जितने भी टिप्स हैं आप कहीं अपने नोटबुक के अलावा अलग एक डायरी में नोट करके और अच्छे से उसको बार बार प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट है अगर कहीं मैं घोड़ा होता, ये भी है जैसे हम लोगों ने एक चैप्टर उधर बताया था मैंने सांप और बाज वाला, जो इमेजिनेशन का स्टोरी है। तो ये स्वरेश्वर दयाल सक्सेना का लिखा हुआ कविता है जो इमेजिनेशन की, अगर मैं घोड़ा होता तो क्या करता, मेरी इच्छाएं कैसी, हवा में दौड़ती, ये करती वो करती खुले शहर, तो उसके ऊपर पोयम है। तो इससे आपको पोयम को पढ़ना है और 12 लाइन लर्न करना है
सेकंड है आपको शब्दार्थ लर्न करने हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन करना है और मौखिक प्रश्न करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है बल्लू दादा को छुड़ा लिया गया। ये भी जानवरों के ऊपर कहानी है, जो एक जंगल की कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आप लोगों को पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है, तो आप अच्छे से इस स्टोरी को पढ़ना, हार्डवर्ड मार्क कर लेना पहले स्टोरी को पढ़ने के बाद, मौखिक प्रश्न जो है उनको सॉल्व करना, और ये विकल्प वाले प्रश्न यानी बहुविकल्पी प्रश्न जिसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न में मैं बार बार कहती हूँ, मैं अपने मेरे स्कूल में या मेरे क्लास में जो सब्जेक्ट है मेरा, मैं उसमें विकल्प नहीं देती, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन आंसर लर्न करना है तो फिर विकल्प दे के उसको ऑप्शन चूज़ नहीं कराना है। राइट आंसर तो आपको वैसे भी लर्न करना है, ऐसे भी लर्न करना है, तो फिर डायरेक्ट आंसर लर्न करो। इससे आप क्या होता है, एक प्रॉपर वे में आपका एक आंसर लर्न हो रहा है। सच्ची तीर्थ यात्रा, ये हम लोग सभी जानते हैं, हिंदू धर्म कोई भी जाति धर्म में, सभी जाति धर्म में क्या है, तीर्थ यात्रा का एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। पापों की मुक्ति के लिए या भगवान को पाने के लिए बहुत तरह की मन से बनाई हुई या जो भी हो, इसका कोई पर्टिकुलर एक थॉट नहीं है कि हाँ ये मिलता है या वो मिलता है, ये सब लोगों की मान्यताओं के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सच्ची तीर्थयात्रा के ऊपर स्टोरी है, स्टोरी को आपको पढ़ना है कि एक्चुअली में सच्ची तीर्थयात्रा क्या होती है, मानवता से बढ़ के और एक मानव का दूसरे मानव के प्रति दयालुता, बड़ी सीख या किसी की सहायता करना, इससे बड़ी कोई तीर्थयात्रा नहीं है। तो इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपका थोड़ा सा सोचने का तरीका जो है वो ज़रूर बदलेगा। फिर उसके बाद आप चैप्टर में शब्दार्थ पढ़ेंगे, मौखिक प्रश्न पढ़ेंगे और विकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे। तो ये क्लास 8 का लिटरेचर में बस इतना ही था। अब आप लोग लैंग्वेज का स्टडी मटेरियल अभी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने लैंग्वेज का वीडियो नहीं बनाया, मैं बाद में उसको नेक्स्ट अनदर किसी वीडियो में 8 का लैंग्वेज छोड़ूंगी। तब तक आप लोग लिटरेचर की पूरी तैयारी करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तभी आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी। और इस वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।